हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास में हूँ। लाइव हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? वेलकम। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, आ रही है आवाज। चलो ठीक है। आज हम लोग टाइम सीरीज की बात करेंगे। आज हम लोग टाइम सीरीज की बात करेंगे। सबको आ रही है बात समझ में? बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। लिखिए, टाइम सीरीज क्या है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, पहले ये समझते हैं। ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स। ध्यान दो एकदम। नमस्ते सबको। टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूं मैं? भेज दो एकदम। आप भेजिए, जरूर भेजिए। तो टाइम सीरीज क्या है, पहले ये समझेंगे हम लोग बात को, कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, याद कीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, अरे पानी का बोतल दो और हल्ला मत करो।
वहां पर हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन चार तरह से होता है, एक है टाइम सीरीज या क्रोनोलॉजिकल, एक है स्पेशियल या ज्योग्राफिकल प्लेस वाइज, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। तो इसमें जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किसके आधार पर है, टाइम के आधार पर। तो इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन टाइम के आधार पर दिया हुआ हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके आधार पर हम डेटा का कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके आधार पर हम कैसे कोई जजमेंट करेंगे। 2010, 2011, 12 पिछले 10 साल का डेटा डिमांड का हमको दिया हुआ है, उसके आधार पर हम कैसे उसका एनालिसिस करेंगे। तो टाइम के आधार पर अगर कोई डेटा हमको गिवन है तो उसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे टाइम सीरीज में, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये बात सभी बच्चे समझ गए? क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। नंबर टू, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इट इज द फोर्सेस दैट चेंज द फेनोमेना। इज टर्म्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ध्यान दो यहां पर, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज का मतलब यह हुआ कि उस फोर्सेस के बारे में हमको स्टडी करना है, कॉजेज, कारण, जो हमारे आसपास के घटनाओं को प्रभावित करता है, सोशियो इकोनॉमिक, चाहे सोशल के रूप में, चाहे इकोनॉमिक के रूप में, चाहे मार्केट के रूप में। तो मार्केट में डिमांड में सप्लाई में चेंजिंग होता है, कई बार डिमांड किसी चीज का बढ़ जाता है, कई बार किसी चीज का डिमांड घट जाता है। तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक मार्केट को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इसको हम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। और यह कितने तरह के होते हैं, चार तरह के। इट इज ऑफ, ये चैप्टर बहुत है जी आसान, फोर टाइप्स, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, इसमें थ्योरी ज्यादा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल आपको कम रहते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है जी। इसका फर्स्ट लेक्चर है, चार तरह के कौन कौन है लिखिए। नंबर ए, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। और इसको हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं, और कई बुक में इसको केवल ट्रेंड भी बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी नंबर, सीजनल वेरिएशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक करके बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर वेरिएशन, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी, उसके बाद है रैंडम वेरिएशन,
इरेगुलर वेरिएशन, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो टाइम सीरीज में क्या पढ़ना है ये बात फिर से समझ लीजिए। भैया सारे चैप्टर तो हो गए, इसमें तो यही बचा हुआ है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज खत्म हो गया, बस खत्म हो जाएगा स्टैटिक्स, फिर बचा क्या है? अब बचे हुए चैप्टर तो खत्म हो गए और करवा क्या रहा हूं। टाइम के हिसाब से अगर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उसका एनालिसिस करने का क्या तरीका होगा, एनालिसिस कैसे करेंगे, इसी चीज का स्टडी हम लोग क्या चीज में करते हैं, टाइम सीरीज में करते हैं। इसमें यूजुअली जो डेटा दिया हुआ रहेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का दिया हुआ रहेगा। देखिए टाइम सीरीज क्या है, स्पेसिफाइड टाइम का आपको दिया हुआ रहेगा और एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ईयरली डेटा दिया है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इसके आधार पर हम क्या करते हैं एनालिसिस। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइम के आधार पर अगर डेटा हमको दिया हुआ रहे तो इसके आधार पर हम लोग कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, इसी का स्टडी हम टाइम सीरीज में करेंगे। कंपोनेंट का मतलब हुआ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो सोशियो फेनोमेना का मतलब होता है घटना। घटना यहाँ पर क्या चीज है, मनवा फोर्सेस जो मार्केट को प्रभावित करता है, वह मार्केट जो सोशल फेनोमेना को प्रभावित करता है, जो इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो हमारे मार्केटिंग को, सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल इकोनॉमी को, कंट्री के इकोनॉमी को, वर्ल्ड के इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। और ये कितने तरह के होते हैं, तो चार तरह के होते हैं। एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सेकुलर ट्रेंड, एक है सीजनल, एक है सर्कुलर और एक है रैंडम। तो पहले हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात हम करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, टाइमिंग है 11 बजे से तो है, पहले तो बोल तो दिया ग्रुप में। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। चलिए ये नंबर लिखिए, सेकुलर ट्रेंड लिखिए, देखिए वेरिएबल के तीन ट्रेंड होते हैं, पहले ये जानिए। ए वेरिएबल हैज थ्री ट्रेंड, या तो ट्रेंड इंक्रीजिंग होगा, सेकेंड है जी डिक्रीजिंग ट्रेंड, और थर्ड आपका है जी रिमेनिंग सेम। तीन ही बातें होगी, या तो किसी चीज का क्या होगा कि ट्रेंड इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। अब आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, किसी का ग्राफ ऊपर जाता है इंक्रीजिंग, ये हुआ आपका डिक्रीजिंग, रिमेनिंग सेम का आपका ये ग्राफ। एक का ग्राफ है, ये दो का है और ये थर्ड का है। तो वेरिएबल के तीन ट्रेंड है, इट इज ऑफ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है।
इसमें स्टडी हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड का। जरा बात को ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल के तीन टेंडेंसी होते हैं। या तो क्या होगा, किसी चीज का, जैसे डिमांड किसी चीज का बढ़ता है, किसी चीज का डिमांड घटता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, तो ऊनी का कपड़ा जो है वह विंटर में उसका ट्रेंड क्या होगा, डिमांड इंक्रीजिंग होगा। वही आ जाएगा जी समर सीजन तो डिक्रीजिंग। कुछ ऐसा होता है जैसे नमक है, उसका रिमेनिंग सेम है ट्रेंड, घटता बढ़ता नहीं है। वही एक जैसा होता है जिसको आप इनइलास्टिक डिमांड कहते हो। तो लॉन्ग टर्म में वेरिएबल यही तीन तरीके से चलता है, या तो ट्रेंड इंक्रीजिंग होता है, या डिक्रीजिंग होता है, या रिमेनिंग सेम होता है। अब सेकुलर ट्रेंड है क्या चीज, है ना? दिस ट्रेंड, जरा बात को यहां पर ध्यान से देखिए, दीज ट्रेंड आर सॉन्ग ड्यू टू, वन नंबर है जी, प्लानिंग। सेकेंड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड नंबर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एटसेट्रा। दीज ट्रेंड्स आर इफेक्टिव These trends will have to effective थ्री टू सेवन ईयर्स और मोर। सेकुलर ट्रेंड जनरल ट्रेंड है, जरा बात को ध्यान से सुनिए। इसके इफेक्टिव होने में जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का यही मतलब भी हुआ। जैसे आप प्लानिंग के तहत काम करते हैं, नीति आयोग है, 5 ईयर्स प्लानिंग बनाती है, सरकार बजट बनाती है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो ये कोई एक दिन में इफेक्टिव नहीं होता है। इस पर काम करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, तो 3 से 5 साल के बाद उसको इफेक्टिव होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कोई एक दिन में नहीं है जी, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 से 7 10 साल भी लगता है वो जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए रेल का डेवलपमेंट करना है, तो कोई 1 साल में तो रेल का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा जिस एरिया में नहीं हुआ है। तो जब इसको हम कहते हैं सेकुलर, सेकुलर का मतलब हुआ जनरल ट्रेंड, नेचुरल ट्रेंड, कि जब आप कोई प्लानिंग के तहत काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि रोड आप बनाते हैं, ब्रिजेज बनाते हैं, तो ढुलाई का खर्च कम हो गया। रेलगाड़ी बनाएंगे, ढुलाई का खर्च कम होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उस चीज की कीमत उतनी कम होगी,
आप 2000 अगर मान लिया जाए कि आप देखिए 2000 में या 1990 में देखिए कंप्यूटर और टेलीविजन के दाम कितने थे। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ जी, ट्रेंड इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ा चुकी, प्राइस एकदम घट गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हॉस्पिटल बने, इससे मॉर्टेलिटी रेट आपका कम हो जाएगा। पेंडेमिक की बात नहीं कर रहे हम, जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल डे में नए नए हॉस्पिटल बनते हैं, नए नए दवाइयों का इजाद होता है। पहले पेंडेमिक बहुत आते थे, हैजा मलेरिया फलेरिया बहुत होते थे, अब तो हट गया। उस साल में चलते रहते थे, बहुत लोग मरते थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी वैसे वैसे मॉर्टेलिटी रेट कम होता गया। तो ये सेकुलर ट्रेंड का मतलब जनरल ट्रेंड, जब आप कोई प्लानिंग के तहत काम करते हैं तो 3 से 7 साल उसको इफेक्टिव होने में उसको दिखाई पड़ता है, उसको आपको देखना पड़ता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है, ये सेकुलर ट्रेंड का है एग्जाम्पल, कि समय के साथ कोई चीज बढ़ेगा, सेकुलर ट्रेंड, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन कोई एक दिन में नहीं, 2% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके इफेक्टिव होने में 10 साल लग जाते हैं। 10 साल डिमांड को वो चेंज करने में, वो प्रभावित करने में, मार्केट को प्रभावित तब 10 साल के बाद करता है। इसलिए सरकार 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग करवाती है, उसके आधार पर एग्रीकल्चर में कितना डिमांड बढ़ेगा सरकार इसकी प्लानिंग करती है, कितना जो एग्रीकल्चर पर बोझ पड़ेगा, कितना बिजली के लिए हमको इंफ्रा, कितना हॉस्पिटल नए बनाने पड़ेंगे, ये सब जनरल वे में जो प्लानिंग करते हैं और उसका इफेक्टिव, इसको हम सेकुलर ट्रेंड में स्टडी करते हैं। द सेकुलर ट्रेंड इज ए जनरल ट्रेंड, राइट? आ गया बात समझ में? बी नंबर देखिए, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन है, देखो क्लियर हो गया सबको? सीजनल वेरिएशन है अंडर 1 ईयर, ओवर ए स्पेन ऑफ 1 ईयर, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस। रिदमिक फोर्सेस विच ऑपरेट इन ए रेगुलर और पीरियोडिक मैनर। ध्यान दीजिए, रेगुलर और पीरियोडिक मैनर। These forces have the same or ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ईयर आफ्टर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशंस ड्यू टू वेदर कंडीशन वेदर कंडीशंस
फेस्टिवल्स, फैशंस आर अंडर दिस। सीजनल का मतलब वहां पर देखिए, सीजनल अभी हमने सेकुलर ट्रेंड बढ़ाया बताया, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह आपका क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। सबको आ रहा है समझ में? आपकी एक दुकान है, पर महीने 10,000 से 15,000 रुपये आपकी बिक्री होती है, ये जनरल ट्रेंड हुआ। सीजनल वेरिएशन भी डिमांड को प्रभावित करता है, मार्केट को प्रभावित करता है, सोशियो इकोनॉमी को प्रभावित करता है, लेकिन ये सब थ्योरी में आएगा। अंडर 1 ईयर, जरा ध्यान दो, 1 साल के अंदर, सीजनल का मतलब 1 साल के अंदर होने वाले वेरिएशंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये कब होता है, कहता है कि ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस। रिदमिक का मतलब क्या हुआ, जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बार बार आए और वह प्रभावित करे, जैसे वेदर कंडीशन। आप जानते हैं कि इंडिया में मेनली 3 वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो पूरे इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करता हुआ है, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। इसमें हमारा पहनावा, ओढ़ावा, खान पान सब में परिवर्तन होता है। इसलिए साउथ एशिया जो है, जहां पर दुनिया की 1/3 आबादी रहती है, ये सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन जो है वह लोगों के लिए, वह क्या है जी, बिजनेस का केंद्र है। आप यूरोप चले जाइए, एक तो आबादी कम है और दूसरा बात है कि एक ही तरह के सीजन है वहां पर, एक ही तरह के सीजन है, लेकिन यहाँ सीजन 3 है, आदमी की संख्या बहुत ज्यादा, मार्केट में डिमांड सप्लाई एकदम, इसलिए बिजनेस के लिए सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन है। इसलिए इंडिया से झगड़ा करना इतना आसान नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ की आबादी इतनी है, और इतनी आबादी है कि कितना भी ऑक्सीजन दे दो फिर भी बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, देखो। तो वही कहता है कि अंडर 1 ईयर, ये सारे एक वेदर कंडीशन 1 साल के अंदर, और आपको पता होता है कि विंटर कब आएगा, समर सीजन कब आएगा, रेनी, ये रेगुलर होते हैं, पीरियोडिक मैनर में आते हैं, ये सिमिलर पैटर्न होते हैं। यहां पर देख लीजिए, ईयर टू ईयर विंटर समर और रेनी सीजन कब आएगा, ये ईयर टू ईयर सेम कंडीशन सेम टाइम पीरियड में ही आते हैं। फेस्टिवल्स, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, कहता है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कहते पूरा दुनिया खत्म हो जाए लेकिन भारत अगर जीवित रहेगा तो सभी धर्म के लोग यहां पर रहेंगे। यहां पर मेनली क्या है, बहुत सारे कंट्री, आप देखिए आप यूरोप चले जाइए तो वहां पर क्या है कि ईसाई लोग ज्यादा, ईसाई से ही रिलेटेड जो है लोग ज्यादा मिले। कुछ कंट्री है जहां की केवल इस्लाम है, लेकिन इंडिया ऐसा है जी जहां पर सभी धर्मों के लोग, और कुछ ऐसे धर्म है जो विलुप्त हो गए लेकिन फिर भी इंडिया में पाए जाते। यहाँ हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल, जैसे अभी रमजान चलता है, कुछ दिन पहले जो है नवरात्रि खत्म हुआ, कुछ दिनों के बाद कोई और आएगा, और ये फेस्टिवल जो है वह मार्केट को प्रभावित करते हैं। फैशंस, फैशन भी अंडर 1 ईयर में आते हैं और मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो अंडर 1, हम सीजनल वेरिएशन में क्या पढ़ते हैं, 1 साल के अंदर आने वाले फोर्सेस या फैक्टर जो प्रभावित करते हैं उसका स्टडी हम सीजनल वेरिएशन में करते हैं। क्लियर टू ऑल, आगे ये बात समझ में जी? इसमें थ्योरी पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल बहुत कम पूछा जाएगा। ये 4 मेथड हैं, 4 मेथड से हम इसको करते हैं, केवल नाम याद रखिए। सवाल तो इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन ये बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर सबको आ रहा है? देयर आर फोर मेथड्स फॉर एवेल्युएटिंग सीजनल वेरिएशन। छह
चार मेथड है, नाम याद रखिए, प्रैक्टिकल सवाल नहीं आएगा। नंबर सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, और चार है जी लिंक रिलेटिव मेथड। केवल नाम जानना जरूरी है जी, ये चार मेथड से हम लोग क्या करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है साइक्लिकल वेरिएशन अंडर 1 ईयर, सीजनल हमेशा अंडर हो। यहां पर जो डेटा दिया रहेगा क्वार्टरली वीकली मंथली ऐसा दिया रहता है, सेकुलर ट्रेंड में डेटा आपको ईयरली गिवन होगा। क्लियर टू ऑल? टॉपर में इतनी पढ़ाई तो चल रही है। भगवान लाल सर वहां के मैथ वाले सर भर भर के पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कहते हैं जी कि मैथ की क्लास नहीं हो रही। भगवान लाल सर बोले कि आपको मैथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को पढ़वा रहा हूं। सी नंबर है सर्कुलर वेरिएशन, देखो यहां पर हम तो टॉपर छोड़ दिए थे, अब क्या टॉपर होगा? क्या मेथड 3 और 4 पॉइंट समझा दीजिए, मतलब नहीं समझे। वेदर कंडीशन 1 साल के अंदर ही तो आता है, फेस्टिवल 1 साल के अंदर आते हैं। रिदमिक फोर्सेस का क्या मतलब हुआ? जो एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करता है उसको रिदम बोलते हैं। तो आप जानते हैं समर विंटर और रेनी सीजन ईयर ईयर आफ्टर ईयर एक ही साथ टाइम पीरियड में आते हैं, फेस्टिवल्स एक ही टाइम पीरियड में आता है, ये मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो सीजनल वेरिएशन में जो हम पढ़ते हैं वह यह पढ़ते हैं कि अंडर 1 ईयर ऐसे कौन कौन से फोर्सेस है जो हमारी इकोनॉमी डिमांड सप्लाई सब मार्केट इस सब को सोशल इस सब को प्रभावित करता है, इसी का स्टडी हम लोग करते हैं सीजनल वेरिएशन। ठीक है बात? द वे दे आर टीचिंग वी गो टू अटेम्प्ट, क्यों बहुत अच्छा तो पढ़ा रहे हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। बिजनेस साइकिल जो है इसमें चार मूवमेंट होता है जी, चार इसके हैं जी मूवमेंट। ये आपका बूम जिसको आप प्रॉस्पेरिटी बोलते हो, इधर आ गए रिसेशन, ये हो गया डिप्रेशन, और फिर आपका रिकवरी है। बिजनेस में ये चार पॉइंट हमेशा चलते रहते हैं, चार फेज है। फोर पेजेस ऑफ
बिजनेस साइकिल। जरा ध्यान दो यहां पर, बस मेरा जितना सिलेबस है वो पढ़ा रहा हूं। बिजनेस साइकिल में क्या है, ये चार है। ये क्या, प्रोस्पेरिटी बूम, बूम का मतलब है मार्केट एकदम बम बम है, लोगों के पास पैसे हैं, उनके पास परचेजिंग पावर है, काम है, जेब में पैसे हैं, डिमांड एकदम जबरदस्त है, मार्केट में एकदम नाच गाना चल रहा है, वो हुआ बूम और प्रोस्पेरिटी। और ये चक्र चलते रहता है, उसके बाद रिसेशन। कई बार ऐसा स्थिति परिस्थिति आता है जी कि लोगों का परचेजिंग पावर डाउन हो जाता है। परचेजिंग पावर डाउन होने के बहुत कारण हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 1980 के दशक में देखिए, देखिए तीन तरह के कंट्री हैं, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। तो जैसे आप अभी एज ए कंट्री आप सोचिए, आप बांग्लादेश या श्रीलंका को बहुत सारे इक्विपमेंट आप भेजते हो, वहां पर बनता नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा क्या इकोनॉमी अभी ऊपर है, चूंकि हम दूसरे देश को भी बेचते हैं। आप यह सोचो कि धीरे धीरे क्या हुआ कि श्रीलंका या बांग्लादेश ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ली, जैसे आप रेलगाड़ी के डिब्बे, बहुत ऐसे मेडिकल उपकरण, वो वहां नहीं बनते, इंडिया से जाते हैं। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर ले तो फिर आपके चीजों का डिमांड कम हो जाएगा, तब आपका क्या इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, याना ही आना है, क्योंकि हर देश जो है आत्मनिर्भर होना चाहता है। तो जब आप रिसीशन आ गया, तो रिसीशन को आप डिप्रेशन में, डिप्रेशन का मतलब है यहां जाने पर कई देश दिवालिया हो जाता है, इकोनॉमी चौपट, तो रिसीशन में ही लोग रिकवरी खोजता है। और ये स्थिति आ जाए डिप्रेशन, तो बहुत खराब गंदा स्थिति है, एकदम मार्केट डूब जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसे आप देखिए, जितना भी कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, तो मोबाइल फोन जो बनाती है, जब कोई मोबाइल लॉन्च, हर साल वो नया फोन लॉन्च करती है, उसी फोन को कई बार एक कैमरा, कई बार दो कैमरा, कई बार तीन कैमरा, कभी कैमरा को इचगर, कभी कैमरा को उधर, कुछ टेक्नोलॉजी उसने चेंज कर दिया, नया चीज आपके सामने लाया, तो वो रिकवरी करते रहता है। जैसे उसका डिमांड, जैसे एक फोन लाया, उसकी बिक्री मार्केट में खूब हुई, उसके बाद अचानक घट गई, फिर उसको रिकवरी वो कैसे करेगा, नया टेक्नोलॉजी लाएगा। तो इस तरह से आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, और ये चार चक्र हमेशा आएगा, बूम हमेशा होगा किसी न किसी पोजीशन पर, रिसेशन है, जैसे अभी इकोनॉमी रिसेशन के कंडीशन में चल रहा है, कोरोना काल तो सबको डिप्रेशन में ला दिया है, कई कंट्री है जो रिकवरी मोड में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये जो चार चक्र है, चार फेज है, बिजनेस में हमेशा चलते रहते हैं। आप एक दुकान भी खोलिए तो चार फेज चलता है, कई बार दुकान में किसी महीने में खूब बिक्री हुई, कई महीने में जो है पहले से थोड़ा कम हुआ, और अभी देखिए जो स्थिति है उस स्थिति में डिप्रेशन, दुकान में सामान ही नहीं बिक रहा है, किसी का मान लेते हैं दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो खुल ही नहीं रहा है, तो बिकेगा क्या, वो तो डिप्रेशन है। जब मार्केट खुलेगा तब फिर रिकवरी मोड में जाएगा। ये चार फेज हमेशा आते रहते हैं, और ये चार फेज सबके जीवन में भी आता है, ये बिजनेस फेज नहीं है, ये लाइफ साइकिल भी है। और इसको जो है होने में, इसको बिजनेस साइकिल होने में कम से कम कितना हो रहा है, 30 फीसदी, यहां पर लिखिए नीचे नोट में, 30 फीसदी, मे लास्ट, सेवन टू नाइन ईयर्स और मोर और लेस, ये 10 साल का चक्र होता है, 10 साल में ये हमेशा
बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी ये हर कंपनी के साथ होते रहता है। कई बार इससे कम सीजन में कोई ऐसा, जैसे अभी जो है अचानक रैंडम, अभी हम पढ़ाएंगे तो रैंडम के कारण जो है ये अचानक जो है 1 साल में ये सारा हो गया। बूम था, अचानक रिसेशन आया, लॉकडाउन हो गया, डिप्रेशन में चला गया, रिकवरी मोड में आया कि फिर नीचे ढुलक गया। अभी थोड़ा खुलना स्टार्ट नहीं हुआ कि दूसरा फेज आ गया। तो 7 to 9 years में ये फेज हमेशा मूव करते रहे। क्लियर टू ऑल? एक रेंडम और इरेगुलर है, डी नंबर। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन देखो ध्यान से। यह रैंडम और इरेगुलर का मतलब होता है इट अकर्स ड्यू टू रैंडम एक्सटर्नल इवेंट। दैट इज फ्लड्स, वार्स, फेमिन्स, सूखा पड़ गया, पेंडेमिक, नेचुरल कैलामिटी लिख देता हूं डायरेक्ट। एक्सटर्नल इवेंट के कारण जो डायरेक्ट प्रभाव हुआ, तो रैंडम और इरेगुलर में ट्रेंड या तो किसी चीज का बहुत हाई होगा या तो बहुत लो हो जाएगा। जैसे अभी मेडिकल और दवा, इसका जो है डिमांड एकदम हाई है, दूसरे चीज का डिमांड एकदम कम है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। तो या तो क्या होगा, किसी चीज का डिमांड एकदम, या तो एकदम ऊपर जाएगा या तो किसी चीज का नीचे, और इसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते। पेंडेमिक, नेचुरल कैलामिटी, वार्स, फेमिन्स, फ्लड, ये सब के बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कब हो, तो इसको हम कहते हैं रैंडम या इरेगुलर वेरिएशन। ये चार वेरिएशन है, वन नंबर वेरिएशन सेकुलर ट्रेंड, ये बाय नेचर है जनरल ट्रेंड है जिसमें प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, टेक्नोलॉजी, जो जनरल आयाम में हम काम करते हैं उसके कारण हम प्रभावित होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम प्लानिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के जेब में पैसे आएंगे, तो स्वाभाविक है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपका बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो लोगों का, लोग जो है डिमांड मार्केट में करेंगे जी ज्यादा, तो इकोनॉमिक बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। ये सेकुलर ट्रेंड में आता है। दूसरा है सीजनल अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर हुआ फोर्सेस जो मार्केट को प्रभावित करता है, वेदर कंडीशन, फेस्टिवल्स, आपके जेब में पैसे हो या नहीं हो, लेकिन फेस्टिवल में तो स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ आप खरीदेंगे ही जी, जो पैसा रखा हुआ है इधर उधर से भी, बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, बच्चों को कपड़े देंगे। उसके बाद आपका क्या है जी, जैसे कि फैशन आया, फैशन भी प्रभावित करता है, बाल के कटिंग का बदल गया, नाई के दुकान का डिमांड बढ़ गया, उस तरह के बाल कटवाने का, कपड़े पहनने का डिमांड, फैशन चल पड़ता है, इसीलिए फैशन शो होते हैं। ये सब कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण मार्केट पर प्रभाव होता है। कुछ तो एजेंडा, वेदर कंडीशन, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसके बाद है जी बिजनेस साइकिल है जिसको सर्कुलर बोलते हैं, ये 7 से 10 साल में रिपीट होते रहते हैं, बूम से लेके रिकवरी तक। और रैंडम है जी एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। सेकुलर ट्रेंड का मतलब जनरल ट्रेंड हुआ बेटा, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो,
आप 5 ईयर प्लानिंग करते हो, बजट बनाते हो, उसके हिसाब से जैसे आप सीए का स्टडी कर रहे हो, ये सेकुलर ट्रेंड है। आप इसमें 5 साल आप पढ़ोगे प्लानिंग के तहत, सीए बन जाओगे, सीए बनोगे, स्वाभाविक है अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। लड़के हो तो अच्छी जो है वाइफ मिलेगी, लड़का हो लड़की हो तो अच्छे सा जो है आपका वो मिलेंगे, समझ गए बात। तो एक नेचुरल वे में आप काम करते रहिए और उसके आधार पर जो प्रभावित होता है वो हम सेकुलर ट्रेंड में करते हैं। क्लियर टू ऑल। अब देखिए, अब अभी हमने आपको पढ़ाया अलग अलग सेकुलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, रैंडम। अब हम पढ़ाएंगे जी एक साथ इनका क्या इंपैक्ट होगा, एक साथ, क्योंकि किसी एक ही ट्रेंड नहीं चलता है। सेकुलर ट्रेंड भी साथ चलता है, सीजनल भी साथ चलता है। एक दुकान खोले हुए हैं, खाने पीने का सामान है, तो खाने पीने का सामान है जी, वहां पर आप बेचते हैं, तो आप देखिए ना भाई, जनरल ट्रेंड है चावल दाल, तो जनरल दिन में भी खाएंगे, वो भी चलेगा। सीजनल आएगा तो तेल घी थोड़ा ज्यादा बिकेगा, चीनी ज्यादा बिकेगी, सीजनल वेरिएशन का इफेक्ट। अंडे बिकेंगे ठंडा के दिन में आएंगे। साइक्लिकल इफेक्ट, लोगों के पास पैसे हैं तो पहले सप्ताह में 2 दिन अंडे खाते थे, तब 3 दिन खाएगा, 2 लीटर दूध की पीने के जगह जो है 3 लीटर 4 लीटर पिएगा, तो साइक्लिकल है। और रिसेशन है तो लोग कम कर देता है कि चलो हम आधे लीटर ही दूध में काम चला ले। और रैंडम, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। रैंडम क्या चीज है ये भी बता दूं, आपके दुकान में 2 तरह के ग्राहक आते हैं, एक आते हैं वो भाभी जी बगल वाली, और भाभी जी कैसे हैं, भाभी जी मुस्कुराते हुए बोलते हुए सामान बेचते हुए कस्टमर जिसको आप जानते हो, और एक कस्टमर है जी ऐसे भी चलते फिरते आते हैं जो इसको आप नहीं जानते हो, वो रैंडम है आपके लिए। इसीलिए आप वैसे जगह दुकान खोलना चाहते हैं जहां पर लोग बहुत आधा जाता हो, जहां पर आपका भी कस्टमर आता हो और एक्सटर्नल कस्टमर भी आता हो, रैंडम। सबका कंबाइंड इफेक्ट आपके एक दुकान पर पड़ता है, तो मार्केट पर भी पड़ेगा और कंट्री पर भी पड़ेगा। तो हम इसको एज ए होल को एक साथ इफेक्ट मापने के लिए हमारे पास 2 मॉडल है। लिखिए, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, थर्ड नंबर पॉइंट। आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? हाँ, सडनली होता है, ये एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, आपका जोर इसमें नहीं चलेगा। जैसे एपिडेमिक हो गया, वार हो गए, आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, ये रैंडम हुआ, झगड़ा करने के मूड में थोड़े ना आप जाते हो, उससे डल नहीं हो जाता। कई बार आपने दुकान खोला और एक ग्राहक आया जिसको आप जानते नहीं, कुछ सामान लेके गया आपसे। हाँ, रेलवे स्टेशन के शॉप का एग्जाम्पल है जी, वो रैंडम ही है। लिखिए, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, हम एज ए होल इफेक्ट हम आप देखेंगे। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, इन दिस The objective is to estimate and separate एस्टिमेट द सेपरेट
ऑफ दी फोर कंपोनेंट्स एंड टू ब्रिंग दी ब्रिंग आउट दी रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ ईच ऑन द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द टाइम सीरीज. मॉडल ऑफ टाइम सीरीज का क्या ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, कि ओवरऑल सेपरेट अलग अलग तो हम मापेंगे कि सीजनल क्या इफेक्ट होगा, सेकुलर क्या होगा, साइक्लिकल क्या होगा, रैंडम, और ओवरऑल सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इसी का स्टडी हम लोग मॉडल ऑफ टाइम सीरीज में करेंगे. इसके लिए हमारे पास दो सूत्र है, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव, वही जो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था. टू टाइप्स ऑफ मॉडल, ये हमने पहले भी पढ़ाया था, पहले लिख लीजिए इसको, फिर हम हटाते हैं. प्यारे बच्चों, दिल के अच्छों, क्यों टेस्ट आप लोग देने रहे हैं क्या? जेके सामने टेस्ट तो चल रहा है. आप दुकान वाले को कैसे नहीं जानेंगे? दुकान वाला आपको जानेगा तो आप दुकान वाले को कैसे नहीं जानोगे? जब भी दुकान वाला आपको जानेगा उसके लिए आप रेगुलर कस्टमर हैं. जब दुकान वाला आपको नहीं जानेगा और आप कभी कभार उसके दुकान पर जाते हैं, रेगुलर एक ही दुकान से आप सामान खरीदेंगे तो सेकुलर, और आप क्या करते हो कभी कभार किसी दुकान से कभी वहां कभी उताप, आपका आप इरेगुलर या रैंडम कस्टमर कहलाओ. भाई सबको मैंने भेज दिया था, ये तो कब के हो गए, उनको लगता है कि दो चार तो हो चुके हैं. चलो मैं देखता हूं, अभी बाद में यहां पर पहले पढ़ लो उसके बाद. लिखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन टाइम सीरीज. नंबर ए एडिटिव मॉडल, ध्यान दो. अंडर दिस इट इज अज्यूम्ड दैट फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. Hence, y t बराबर t प्लस s प्लस c प्लस i, where y t is equal to time series
टोटल ट्रेंड वैल्यू। एडिटिव मॉडल हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, चलो देखते हैं देखते हैं। यहां ध्यान दो, एडिटिव मॉडल में क्या है, लेता हूं टेस्ट भी लेता है, डोंट वरी। टॉपर वाला तो बंद किए हुए है, ऑफिस ऑफिस खोलता ही नहीं, मैं क्या करूं। न ऑफिस खोल रहा है न पेमेंट दे रहा है। यहां पर हम कहते हैं कि चार के चारों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं है। ऐसे कंडीशन में सभी का हम अलग अलग वैल्यू मेजर करते हैं, वो भी एब्सोल्यूट टर्म में। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके दुकान में जनरली 20,000 रुपये की बिक्री होती है, मान लेते हैं कोई सीजनल कोई फेस्टिवल नहीं है, सीजनल फेस्टिवल आया तो 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा सामान बिका, तो पहले 20,000 तो जनरल चावल दाल घी बिकता था, फेस्टिवल आया तो 2,000 और बिका तो जोड़ दीजिए। मान लेते हैं जी कि साइक्लिकली बिजनेस सही नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो आपको लगता है कि 900 रुपया कम की बिक्री हुई है तो 900 और माइनस कर दीजिए। आपको लगा कि नहीं 1,000 रुपया रेंडम बिक्री हो गई, हमको पता नहीं कैसे बिक्री हुई, तो सबका हम अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। एडिटिव मॉडल में क्या होगा, सेकुलर ट्रेंड, जनरल कितनी बिक्री होती है, कोई फेस्टिवल आया या वेदर कंडीशन चेंज हुआ तो क्या बिक्री में बदलाव आया, बिजनेस कैसा है, बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, अगर बूम है तो उसके कारण बिक्री और बढ़ जाएगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर रिसेशन है तो कंजम्पशन घटेगा, उसका क्या इफेक्ट है, इरेगुलर है रेंडम, इसके बारे में आपको मालूम नहीं है कितना हो गया, ये सब का कंबाइंड इफेक्ट एक साथ करके एड करके हम टोटल निकालते। जैसे एक सवाल है आपके बुक में, जरा निकालिए, आईसीआई का बुक है सबके पास, आईसीआई का बुक निकालिए, पेज नंबर 19.41 एग्जाम्पल। पढ़िए द ट्रेंड माइट बी ₹20,000, आपका एक दुकान है 20,000 रुपया की जनरल बिक्री होती है, जनरल ट्रेंड, ये सब अलग अलग, जब इंडिपेंडेंट होगा हर फैक्टर को अगर हम इंडिपेंडेंट मानेंगे तो सबका अलग अलग इंपैक्ट हम निकालेंगे, वह भी रुपीज के रूप में, फाइनेंशियल टर्म के रूप में। 1,500 रुपया है कहता है सीजनल फैक्टर है, द मंथ क्वेश्चन इज गुड वन फॉर सेल्स ओवर द ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन है, कोई फेस्टिवल आया तो 1,500 रुपया का और अधिक बिक्री हुई, साइक्लिकल फैक्टर है ₹800। आगे पढ़िए, ये जनरल बिजनेस स्लंप है, रिसेशन चल रहा है, इज एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड टू डिप्रेस से ₹800 पर मंथ, तो ये साइक्लिकल में माइनस हो जाएगा ₹-800, ऐसे इनक्लोज कर दे, ये घट जाएगा, और 800 की ज्यादा बिक्री होनी चाहिए था अगर रिसेशन नहीं होता, लेकिन ये कम हो गया तो माइनस हो जाए,
रैंडम आपका 410 सही है, नहीं मालूम आपको, इरेगुलर है 410 रुपये। तो सबका इंपैक्ट टोटल क्या हो गया वाई टू, 20,000 प्लस 1500 माइनस 800 और प्लस 400, 410 है तो 410 है, सब प्लस माइनस कर दीजिए, 21,110 का टोटल हुआ इंपैक्ट। तो एडिटिव मॉडल में हम क्या मानते हैं कि सारा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, और इंडिपेंडेंट ईच अदर कैसे, तो सबका मेजरमेंट अलग अलग करते हैं कि जनरल ट्रेंड कितना है, सीजनल का क्या इफेक्ट है, साइक्लिकल का क्या है, इरेगुलर का क्या है, अगर डिप्रेशन है तो माइनस हो जाएगा, अगर बूम रहेगा तो यही चीज लिखेगा प्लस हो जाए, ये सबको प्लस माइनस करके हम लोग निकालेंगे। नहीं मिला क्वेश्चन, मिला मनीषा? 19.41 मिला क्वेश्चन? नहीं है, एग्जाम्पल है। अंडर द एडिटिव मॉडल ए मंथली सेल 21,000 एक्सप्लेन एज फॉलोज। आया समझ में जी? तो इसमें हमने क्या किया, क्या माना कि सभी इंडिपेंडेंट है, सबको अलग अलग करके जी। तो एडिटिव मॉडल में क्या है कि जो चार कंपोनेंट है सबका अलग अलग मेजरमेंट करते हैं, कि जनरल क्या है, सीजनल का क्या इफेक्ट है, बिजनेस का क्या इफेक्ट है, और फिर हमने क्या मानना है, इरेगुलर का क्या इफेक्ट है, प्लस माइनस करके टोटल कितनी हुई, इसका इंपैक्ट हम लोग निकाल देते हैं। लिखा हुआ है साइक्लिकल में, तो लिखा हुआ है कि ₹800 ए जनरल बिजनेस स्लंप इज एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड टू डिप्रेस सेल्स ₹800, 800 रुपये का सेल कम होगा, ऐसा बिजनेस स्लंप है। बिजनेस स्लंप का मतलब रिसेशन है, तो रिसेशन में बिक्री जो हो रही थी 20,000 का, उसमें भी 800 रुपये का कम हो जाएगा। जनरल ट्रेंड 20,000 का है, लेकिन रिसेशन आने से 800 रुपया के बिक्री और कम हो जाएगी, तो माइनस 800 आपको करना पड़ेगा। आया समझ में? 410 है एक्सटर्नल इफेक्ट, रेसिडुअल फैक्टर, रेसिडुअल का मतलब हुआ इरेगुलर, आपको नहीं मालूम वो 410 और जोड़ दीजिए। आया समझ में बिशु? 20,000 रुपये का जनरल ट्रेंड है, रिसेशन है तो 800 रुपया और कम बिकेगा, तो माइनस 800 करना पड़ेगा ना, लेकिन सीजनल का इफेक्ट 1500 प्लस हो है, तो 1500 हमने प्लस कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा बात, सब प्लस माइनस करके आंसर कीजिए। आया समझ में सबको? विशु जी आया? हाँ भाई, वो लिखा हुआ है, लिखा है कि बिजनेस स्लंप है, रिसेशन में माइनस ही होगा। 20,000 रुपया जनरल ट्रेंड का मतलब है कि जब इस एकदम आप अच्छे पोजीशन बूम में थे तो 20,000 का सामान बेचते, रिसेशन हुआ था 800, उसी में कम हो जाएगा बाबू, पहले जो 4 kg दूध ले जाता था वह 3 kg दूध खाएगा। बीस हजार रुपये का जनरल ट्रेंड है, आप सोचो जी कि 20,000 रुपया आप अपने घर में खर्च करते थे सामान लाके, कंजम्पशन, त्योहार आया तो 1500 रुपया और एक्स्ट्रा, आपकी नौकरी छूट गई तो पैसा बचाओगे, आप 20,000 का सामान ला नहीं सकते हो, तो कुछ कुछ सामान और कम किए, उधर से कुछ कम किए, 800 रुपये के सामान और आपने कम कर दिया, कंजम्पशन थोड़ा कम कर दी, पहले अखरोट पिस्ता बादाम खूब खाते थे भैया, पैसा नहीं है जेब में, कम कर दी, और मैगी सैगी बच्चा मांगेगा नहीं, मानेगा नहीं, रेसिडुअल है वो, रेसिडुअल फैक्टर है, खाना खाने के बाद भी मैगी खाएंगे, पिस्ता खाएंगे, पास्ता खाएंगे, वो 410 रुपये। तो सब प्लस माइनस करके 1 महीने का क्या खर्च है वो आपका आ गया। आया बात समझ में?
आप अपने घर से ही सोचिए कि आप 20,000 का कंजम्पशन करते हैं मार्केट से सामान लाके, मंथली 20,000 आपका खर्च है, फेस्टिवल आया 1,500 और एक्स्ट्रा खर्च हो गया, पेंडेमिक में जो है नौकरी में सैलरी कम हो गई तो अब कंजम्पशन आपका कम हो गया, 800 रुपया आपने कम कर दिया, इधर उधर से बचाया, बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं भाई मैगी तो आना ही चाहिए, बिना मैगी का कैसे होगा, रात में भूख लग जाती है, मैगी पता नहीं कौन कौन से चिप्स, वो 410 रुपये का, ये भाई ये घर का बजट है, इसी के घर से बजट से ही टाइम सीरीज सीखिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो सबका आपने अलग अलग इम्पैक्ट निकाला, तो अलग अलग आपको इम्पैक्ट निकाला तो सबको प्लस माइनस करके, ये इंडिपेंडेंटली आपने सेकुलर को अलग रखा, सीजनल को अलग, साइक्लिकल को अलग, और रैंडम सबका अलग अलग मेजरमेंट किया, तो प्लस माइनस करके एज ए होल इफेक्ट आप निकालो, आ गया समझ में, क्लियर टू ऑल। क्लियर टू ऑल। डी नंबर लिखिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, बी है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जरा ध्यान दो, इस कंडीशन में हम मानते हैं कि सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, अंडर दिस इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, फॉर दिस इंटरडिपेंडेंट में सब मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें क्या होता है एडिटिव वाला में, फिर समझिए सारे ट्रेंड में सेकुलर सीजनल साइक्लिकल और रैंडम सबका हम एब्सोल्यूट टर्म में अलग अलग निकालेंगे रुपीज में, यहां क्या करते हैं कि इसमें केवल हम ट्रेंड का मेजरमेंट करते हैं और बाकी का इफेक्ट परसेंटेज में देखते हैं, जैसे आपका दुकान है 20,000 की बिक्री है, सीजनल वेरिएशन हुआ तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 20,000 का 10% बढ़ जाएगा, 20,000 इंटू 110 बाय 100, तो बाकी जो है हुआ इसी के रिलेटिव में मेजरमेंट करेगा, ये सबको क्या करेगा इसी के ये इसका तो एब्सोल्यूट में करेगा और बाकी इसी के रिलेटिव में करेगा, कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि टोटल इंपैक्ट निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसी सवाल में देखिए उसी जगह वो आपके नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है,
उसी में लिखा हुआ है, देखिए द मल्टीप्लीकेशन, उसी एग्जाम्पल 19.2.1 में ही देखिए। मल्टीप्लीकेशन मॉडल माइट एक्सप्लेन द सेल्स फिगर, ट्रेंड है 20,000, ट्रेंड कितना है 20,000 का। जनरल आप 20,000 रुपये का जो है क्या करते हो, आप घर से चलिए 20,000 का सामान कंजम्पशन करते हैं, मार्केट से लाते हैं। सीजनल फैक्टर है 1.15, क्या मतलब हुआ, ए गुड मंथ फॉर सेल एंड एक्सपेक्टेड टू 15% अबव द ट्रेंड। तो जनरल टाइम में आप 20,000 का कंजम्पशन करते हो, सीजनल आया तो 15% बढ़ गया। मान लीजिए कोई फेस्टिवल आया तो कपड़े खरीदे नए नए, तेल खरीदे, ज्यादा तेल पीने लगते हो, घी खाने लगते हो, नए नए पकवान पकाओगे, 15% खर्च बढ़ जाएगा। तो 15% बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट कैसे निकालेंगे, 1.15, 15% बढ़ गया, 15% का मतलब 115/100। इसका इसने वैल्यू निकाला और इसी के रिलेटिव में इसको लिखा, इसलिए वहां पर हम टोटल इंपैक्ट मल्टीप्लाई, सीधी सी बात 15% हो गया, इसका मतलब 23,000 हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ, साइक्लिकल फैक्टर है 0.90, क्या मतलब हुआ, देखिए 100 से अगर कोई चीज ज्यादा हो, 100% का मतलब हो गया, 100% कहिए या 1 कहिए, 1 से अगर किसी चीज का वैल्यू कम है, यानी 100% से किसी चीज का वैल्यू कम है 90, इसका मतलब वो 10% घटेगा। यहां 1.15 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जनरल समय में आप 1 रुपया का कंजम्पशन करते हो, तो सीजनल इफेक्ट के कारण आप 1 रुपया 15 पैसे का कंजम्पशन कर रहे, यानी 15% बढ़ गया। साइक्लिकल है 0.90, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ए बिजनेस स्लंप एक्सपेक्टेड टू कॉज 10% रिडक्शन इन सेल्स, नौकरी छूट गई तो 10% आप पैसे जो है बचाओगे, ये कंजम्पशन कम करोगे तो 90% कर दीजिए, ये 10% कम हो जाए। रेसिडुअल फैक्टर है 2%, वही मैगी सैगी 2% और एक्स्ट्रा खर्च है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 15% बढ़ गया, ये 10% घट गया, ये 2% अधिक हो गया, टोटल जो इंपैक्ट निकलेगा यही आपका खर्च हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम सबको अलग अलग नहीं मापते, अलग अलग हम नहीं मापेंगे, क्या करेंगे, ट्रेंड हम केवल माप लेंगे कि ट्रेंड कितना है, कितना का कंजम्पशन करते थे, सीजनल आया कितना परसेंट बढ़ा, मल्टीप्लाई कर दो, रिसेशन है 10% घटा तो 90% मल्टीप्लाई कर दो, इरेगुलर है 2% तो 2% आप मल्टीप्लाई बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर टू ऑल। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, क्यों इंटरडिपेंडेंट है, कि हमने केवल ट्रेंड लिया कि कितना जनरल है डिमांड और उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ाया घटाया, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना। जब सबका हम अलग अलग मेजरमेंट करेंगे तो इसका मतलब हम सबको एक दूसरे से अलग मानते हैं, तो वहां पर प्लस माइनस करके हम टोटल निकालेंगे। यहां लिखा हुआ है रेसिडुअल फैक्टर 1.0, रैंडम है, प्लस दो फैक्टर, प्लस दो फैक्टर का मतलब 2% बढ़ गया, रेसिडुअल फैक्टर 2% बढ़ गया, तो 2% आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, प्रथम आ गई बात समझ में, एक्सप्लेन फिर से करो, जनरल ये परसेंटेज है, जनरल परसेंटेज आप पढ़ी हो तनुश्री, मैं कहूं जी कि 20,000 रुपये का जनरल बिक्री है, सीजनल आया 15% बढ़ गया डिमांड, 115/100 कर दोगे, यही 1.15, रिसेशन है 10% बिक्री कम हो जाएगी,
इसमें कम कर दिया, नौकरी चली गई, परचेजिंग पावर कम हुआ, तो 10% कम का मतलब 90%, यही 0.90। प्लस दो फैक्टर का मतलब 2% रेसिडुअल, नहीं पता है 2% बढ़ गया तो 102%, यही 1.02 है। इसका टोटल इम्पैक्ट जो होगा वही का YTU। हमने एक मापा और इसी के हमने इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे किया, ये इंटरडिपेंडेंट हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। सबका अलग अलग मापते तो प्लस माइनस करके करते। क्लियर टू ऑल? क्लियर धनुश्री? क्लियर हुआ तनुश्री या फिर बताऊं? लिखा हुआ है 15% का मतलब 115/100। कैलकुलेशन यह बतलाता है कि कितना रुपये का टोटल हुआ खर्च। आप 20,000 का सामान पहले मंगाते थे, 15% की डिमांड बढ़ जाएगी जी, सीजनल वेरिएशन, फेस्टिवल है घर में, रिसेशन आया तो 10% आप इधर से कम कीजिए, 90% कर दो, और बाकी और भी खर्चे थोड़ा बहुत जो बढ़े हैं जी, जनरल खर्चे, साबुन तेल नमक और बढ़ाया 2%। सवाल आप पढ़ो पहले, ट्रेंड है 20%, 20,000 है तो 20,000 रुपये का जनरल है खर्च। कहता है कि सीजनल फैक्टर, आपका दुकान है, फेस्टिवल आया तो 15% की बिक्री बढ़ गई, तो 15% का बिक्री कैसे बढ़ाओगे, 115% नहीं करेंगे क्या? लिखा है जी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए गुड मंथ फॉर एक्सपेक्टेड टू 15% अबव, तो 15% अबव किसी चीज को 15% बढ़ाना है, 115% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? बिजनेस रिसेशन है तो 10% बिक्री कम हो गई, तो 10% कम कैसे करेंगे, तो 90% से मल्टीप्लाई कर दो। किसी चीज को 15% बढ़ाना हो तो 100+15, घटाना हो तो 100-10, 2% बढ़ाना है तो 102%। आया समझ में? इस दोनों मॉडल में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, नोट में लिख लीजिए, इन टू मॉडल्स ये दोनों मॉडल्स में मल्टीप्लीकेटिव मॉडल्स इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। मल्टीप्लीकेटिव मॉडल का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि लोग केवल वेरिएशन देखते हैं और उसी के आधार पर कितना परसेंट घटा और घटा जी उसके आधार पर काम कर लेते हैं, तो मल्टीप्लीकेटिव मॉडल जो है वह क्या है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम लोग सेकुलर ट्रेंड को थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जैसे डायरेक्ट प्रैक्टिकल सवाल तो आते नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सवाल हम पढ़ेंगे, इसलिए कुछ से थ्योरी आपको समझना आसान हो, तो कुछ प्रैक्टिकल सवाल हम पढ़ेंगे ताकि थ्योरी आपको समझना आसान होगा।
मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के चार तरीके हैं। ए ग्राफिक मेथड, और फ्री हैंड मेथड, बी एस एम ई एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। एग्जामिनेशन में क्या डायरेक्ट आएगा सवाल इस पर? नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा, सवाल बनाने के लिए आपको नहीं आएगा। ठीक है प्रदीप, क्लास तो अभी डेली तो नहीं, हम रात में शाम में हो सकता है कि क्लास लें, हम आपको जो है ग्रुप में लिख देंगे। जो आपका दो तीन चैप्टर बचा हुआ है जल्दी जल्दी हम खत्म कर दें ताकि हम अपने तरफ से फ्री हो जाएं। प्रदीप ठीक है? नीचे अरे सीए फाउंडेशन वाला ग्रुप में तुम नहीं हो क्या? टॉपर का जो ग्रुप है, समीर खान तुम कहाँ है? अच्छा नॉट जो लिखा हुआ, लिखो जेके साहब वाले क्लास 11 11:15 से स्टार्ट होता है, मैं लिंक दे दूंगा, वो जूम पर क्लास होती है। उसमें अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगभग खत्म हो गया, सवाल चल रहा है, उसके बाद जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चलेगा, जिसको करना है वो कर सकते हो। वो कुछ नहीं है, वो लिंक मैं दे दूंगा, अभी तो जनरल लिंक ही है, जनरल लिंक से आपका काम चल जाएगा। वो जूम पर क्लास चलती है, जूम पर हम आपको लिंक भेज देंगे। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। मंडे टू सैटरडे रोज क्लास चलती है। नहीं भाई, हम जो तीन ग्रुप बनता है लड़कियों के लिए, एक 101 101 है, 101 रूम नंबर वाला, थर्ड फ्लोर वाला, लड़के लड़कियों का सबका अलग अलग था, उस सब मैं भेज देता हूँ। चलिए ग्राफिक मेथड है, फ्री हैंड मेथड, ध्यान दो। देखिए इसमें हम ट्रेंड कैसे
इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता लगाते हैं? ध्यान दो यहां पर, चलो अभी पढ़ो, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम किसी ग्रुप में हो समीर, पहले ये बात करो। ईयर है 2010। वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहां ध्यान दो। हाँ तो टॉपर वाले में तो मैं भेज रहा हूं भाई, टॉपर वाले में तो मैं इसका भी भेजा था, टॉपर वाले ग्रुप में आज जो क्लास होगी उसका हमने भेजा था या नहीं भेजा था? तो टॉपर वाले में जब भेजा था, ऐसे ही यहां पर भेज दूंगा टॉपर वाले में। पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यहां ध्यान दो। इधर ही यार लो, याद है, ध्यान दो कैसे ट्रेंड निकालते हैं। वैल्यू ग्राफ ड्रॉ कीजिए पहले, एक्चुअल ग्राफ। यहां जीरो है, थोड़ा क्रैंक लगा देंगे। ग्यारह बारह, क्रैंक क्यों लगा है? इधर 1 साल का गैप है, इधर है 2010, 2010 का गैप हो गया। क्रैंक का मतलब होता है इरेगुलर। दो चार, ये वाई एक्सिस है, ध्यान दो। 2010 में दो वैल्यू है, पहले हम ओरिजिनल ड्रॉ कर रहे हैं। दो हजार ग्यारह में 5 है, 5 कहां पर है? यहां पर देखो ध्यान से, बारह में 3 है, उसके बाद 6 है 13 में, दो हजार चौदह में 4 है, यहां पर 4 के सामने, उसके बाद 8 है यहां पर। कैसे ग्राफ आया? एक एक दो दो पॉइंट मिलाओ, देखो ये बिजनेस साइकिल बनेगा, ऐसा ही बढ़ते घटते रहेगा। अब हमने ये एक तरह का स्कैटर डायग्राम हो गया। अब स्कैटर डायग्राम में हम एक एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड। एवरेज लाइन पढ़ाया था कौन सा लाइन है, जिससे दोनों तरफ नंबर ऑफ पॉइंट बराबर है। ऐसा करते हुए एक आप क्या कीजिए कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यही ट्रेंड लाइन हुआ। ये आपका क्या हुआ, जो डॉट डॉट लगा हुआ, यही ट्रेंड लाइन।
देखो ट्रेंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। तो लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाएगा, ये हमने आपको ग्राफ स्कैटर डायग्राम। तो पहले सभी पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। अब प्लॉट करके क्या करेंगे, एक एवरेज लाइन फ्री हैंड एक एवरेज लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और एक एवरेज लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ट्रेंड का पता लग जाएगा। ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ट्रेंड आपका इंक्रीजिंग हो गया। ग्राफ अगर ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग, और सीधी लाइन होता तो इसका मतलब है ट्रेंड रिमेनिंग से हम कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो फ्री हैंड मेथड से इसलिए हम पता लगा सकते हैं। देखिए अमूमन आप देख रहे हैं क्या कि बिजनेस अगर ओरिजिनल ग्राफ देखें तो बढ़ घट रहा है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखिएगा तो ट्रेंड आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। क्लियर हो गया सबको। सेकेंड आप देखिए सेमी एवरेज मेथड, ये मेथड लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेमी एवरेज मेथड देखिए, सेमी एवरेज मेथड में सेमी का मतलब होता है देखो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट हम क्या करेंगे कि निकालेंगे। सेमी का मतलब आधा, इसी से हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए छह है तो सेमी आधा तीन और आधा तीन ये ले लेंगे, सेमी आधा आधा कर लेंगे। ऊपर का तीन ईयर और नीचे का तीन ईयर, और कहोगे सर कि सात ईयर रहता तो ऊपर तीन ईयर नीचे तीन ईयर बीच का छोड़ देंगे। ये थ्योरी पूछता है भी नीचे लिखाएंगे कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड ऑड हो तो हम ऊपर तीन लेंगे नीचे तीन और ठीक बीच वाला ईयर को छोड़ देंगे। तो आप इसका एवरेज निकालिए फ्रॉम अबव एग्जांपल, इसी के आधार पर बता रहा हूं। एवरेज ऑफ अबव थ्री ईयर देखिए कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़िए और तीन से डिवाइड कीजिए 3.33। एवरेज ऑफ लास्ट थ्री ईयर आधा आधा कर देना है, 6 + 4 + 8/3, 6 × 4 = 18/3। 6 देखो ध्यान से, यह कहां लिखेंगे, देखो ये तीन ईयर है, इस तीन ईयर का मिडल ईयर कौन है ये, इसके सामने हम लिखेंगे ये 3.3, और इस तीन है जी इसका मिडल इसके सामने लिखे। अच्छे दो पॉइंट आ गया। सेमी का मतलब क्या हुआ, नाम से ही क्लियर है, कर रहा हूं एक्सप्लेन। सेमी का मतलब आधा, 6 साल है तो तीन ईयर का अलग एवरेज निकाल लीजिए, तीन ईयर का अलग एवरेज निकाल लीजिए, इस तीन ईयर का एवरेज अलग और इस तीन ईयर का एवरेज अलग। अगर 7 ईयर होता तो बीच में जो 1 ईयर है वो छूट जाता, छोड़ देते, ऊपर तीन नीचे तीन लेते। 3 ईयर का जो मिडल ईयर होगा उसी के सामने ये पॉइंट लेंगे। देखो अब मैं दूसरा इसी में बता रहा हूं, देखो दूसरा लाइन,
2011 के सामने 3.33 लोगे, दो और चार यहां है तीन, 3.33 का मतलब यह 2011 के सामने यहां लिए ये पॉइंट। लिया। और 2014 के सामने हम लोग लेंगे छे, दूसरा पॉइंट 14 के सामने छे लीजिए यहां पर पॉइंट। और इस दोनों से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसी के पैरेलल आएगा या लाइन पर ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। लाल से खींच देता हूं, ये नीचे वाले के ही पैरेलल आएगा या उसी लाइन पर भी आ सकता है। ये सेमी एवरेज मेथड वाला हुआ, सेमी एवरेज वाला। यह अभी ग्राफ चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीजिंग। 8 ईयर रहता तो चार चार ईयर लेते बेटा, 8 ईयर अगर होता तो क्या होता, 2010, 11, 12 और 13, इसका एवरेज लेते। और एवरेज किसके बीच लेते, 2011 और 12 के बीच यहां लिखते, मतलब वह पॉइंट आपको यहां से लेना पड़ता, मिडल ईयर लेना है। 4 ईयर है तो 2011 और 12 के बीच से हम वो एवरेज निकालते, दो पॉइंट तो बनाना है। क्लास 2 बजे तक है, 2 बजे तक। क्लियर टू ऑल? नहीं, कट नहीं करेगा, या तो पैरेलल होगा या तो उसी लाइन पर होगा। कट कैसे करेगा, कट नहीं करेगा, पैरेलल होगा या उसी लाइन पर होगा। ट्रेंड लाइन दोनों अलग अलग मेथड से निकला है, एक है प्री एंड मेथड से ये, और ये है सेमी एवरेज। तो दोनों लाइन या तो पैरेलल होगा या एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगा, लेकिन ऐसे कट नहीं करेगा भाई। एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा इंक्रीजिंग ही होगा, तो पैरेलल जाएगा, उल्टा कैसे हो सकता है। क्लियर टू ऑल? तो नंबर ऑफ ईयर यदि ऑड रहे तो बीच का ईयर हम छोड़ देते हैं, नोट में लिखिए, ये थ्योरी में पूछा गया है, नोट में। इफ नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम पीरियड लिखिए सबसे अच्छा। नंबर ऑफ टाइम पीरियड एज ही एन ऑड नंबर है, फॉर सेमी एवरेज मेथड। देन मिडल, ईयर इज डिस्कार्डेड, तो मिडल ईयर को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मिडल ईयर क्या करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं, इसमें ब्रेक का कोई बात है नहीं, फोन है तो फोन उठाइए, बाथरूम में जाइए, पानी पीजिए, चिंता की क्या बात है, ब्रेक किस बात का। आपका फोन, आपका बाथरूम, एंजॉय कीजिए।
ऐसे भी फोन लेके बाथरूम में बैठे रहते हो। तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड। देखिए थर्ड नंबर, मूविंग एवरेज मेथड। इट इज यूज्ड फॉर स्मूथनिंग द टाइम सीरीज। स्मूथनिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्मूथ का मतलब होता है चिकना, तो स्मूथनिंग का मतलब होता है कि जैसे जनरल वैल्यू आप देखोगे तो जिगजैग दिखाई पड़ेगा, जनरल वैल्यू देखोगे तो आपको जिगजैग दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसका मूविंग एवरेज निकाल लोगे तो ट्रेंड आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कैसे गुरु जी? अभी बतलाता हूं। मूविंग एवरेज दो तरह का होता है, एक ऑड टाइम पीरियड और एक इवन टाइम पीरियड। ऑड और इवन दोनों ये एवरेज ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। केस फर्स्ट लिखिए, इसको हम क्यों मूविंग एवरेज करते हैं अभी हम पता लगाते हैं। केस फर्स्ट, और टाइम पीरियड मूविंग एवरेज। जैसे 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, आपको कोई डायरेक्ट सवाल तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको इसमें जो आप मैं बातें आपको बताता हूं निकालने के बाद, उसको ध्यान रखिए, थ्योरी लिखने में आपको आसानी होगी। आपको लगता है कि फाउंडेशन का पेपर पोस्टपोन होंगे? हो सकता है, पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ेगा। जब इंटर का आगे बढ़ाया है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक अपने तरफ से कुछ नहीं मानना है, आपको पूरा एग्जामिनेशन पर लगा नजर लगाए रखना होगा। ठीक है बात? थ्री इयर्स मूविंग एवरेज देखिए, थ्री इयर्स मूविंग एवरेज निकालना सिखा रहा हूं। मूविंग एवरेज इज मूविंग एवरेज ही है जी, बस उसको क्या करना है कि मूव नीचे धीरे धीरे करते जाते हैं। कैसे अभी बताता हूं। बारह है जी, 13, पहले 3 ईयर मूविंग टोटल निकालो। देखिए पहले 3 ईयर को हम सम करेंगे और इस तीनों ईयर में जो मिडल ईयर है उसके सामने लिखेंगे, 5, 2, 7 और 3, 10। फिर नीचे एक छोड़ के नीचे मूव करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा मूविंग। एक छोड़ते जाएंगे नीचे आते जाएंगे तब तक जब तक कि नीचे नहीं आ जाए। इसके सामने लिखेंगे 5, 3, 8 और 6, 14। फिर एक छोड़िए नीचे आइए, फिर इसके आप नीचे आइए,
एंड टाइम पीरियड में कोई भी टोटल नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा जी मूविंग एवरेज। क्योंकि हम मूव कर पहले 3 लिए, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट 3, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट 3, जब तक कि हम नीचे नहीं आ जाए। अब देखिए 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, सबको 3 से भाग दे दो, 10 बाय 3 3.33, 4.6 से भाग, 4.6 से भाग। आप यहां पर ध्यान दो स्मूथनिंग कैसे हो रहा है, यहां पर डेटा जिगजैग वे में है, लेकिन इसको आप देखिए लगभग बढ़ रहा है, देखो ये आया फिर बढ़ा, लगभग सेम ही है ये, फिर बढ़ गया। तो ट्रेंड हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। स्मूथनिंग, स्मूथनिंग का मतलब है कि जब हम मूविंग एवरेज निकालते हैं तो ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन आपको ज्यादा है, ट्रेंड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप मूविंग एवरेज निकालोगे तो ट्रेंड साथ दिख रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। हाँ एवरेज लिया तो फिर 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकाला, तो पहले टोटल निकाला फिर 3 से डिवाइड किया, आया समझ में, ये एवरेज ही है भैया। 3 साल का पहले टोटल निकालेंगे 3 ईयर्स में, 3 नंबर का कैसे एवरेज निकालते हो, तो पहले 3 नंबर का सम करते हो, सबका सम निकाला, 2 प्लस 5 प्लस 3 10, फिर 2 छोड़िए 5 प्लस 3 प्लस 6 14, और क्या हुआ, फिर 5 छोड़ो 3 6 4 का सम 13, फिर 6 4 8 है। जब आप 3 ईयर लोगे तो हमेशा इसके सामने लिखाएगा वैल्यू, आ गया जी समझ में समीर जी, आ गया समझ में। थ्री इयर्स मूविंग टोटल आ गया समझ में, के सेकंड लिखो, ठीक है अब 4 ईयर्स के सेकंड देखो, के सेकंड फोर इयर्स मूविंग एवरेज, ईयर 2010, इसमें थोड़ा सा स्पेस देके आप लिखोगे, क्यों लिखेंगे अभी बताता हूं।
ध्यान दो। पहले हम क्या करेंगे जी, 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकालेंगे। मूविंग एवरेज में एंड टाइम पीरियड, शुरुआत और लास्ट का कोई नहीं होगा। इस 4 का सम करो और 2011 और 12 के बीच में आएगा। 5 2 7 4 11 और 6, फिर यहां इसके बीच में आएगा क्योंकि मिडल ईयर। 5 4 9 6 15, 15 और 5 20। फिर यहां से आएगा, छह चार 15, 15 और 7। फिर यहां से आएगा, 6 5 11, 18 और 6 क्या हो गया, 24। इसके मिडल में कोई नहीं, इसके मिडल में कोई नहीं। 4 ईयर का जो मिडल है, पहले जब हम टोटल करेंगे तो 4 ईयर का जो मिडल होगा उसके सामने सामने लेंगे, क्योंकि 4 में डायरेक्ट नहीं है। यहां पर एक काम आपको और करना होगा, क्योंकि ये किसी ईयर के सामने नहीं आता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स मूविंग टोटल सेंटर्ड। ध्यान दो, सेंटर सेंटर का मतलब ये चीज हमको ऑड में नहीं करना पड़ेगा, यह चीज हमको केस में करना पड़ेगा, केवल इवन में करना पड़ेगा, ऑड में नहीं, इवन में। तो ये किसी ईयर के बीच में नहीं है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तब ये 2012 के बीच आएगा, इसलिए यहां पर सेंटर्ड लिखना होता है। ये सेंटर में आता नहीं है, सेंटर में हमको लाना पड़ता है। ये क्या हो गया, 37, ये हो गया 2042। अब ये ईयर के सामने आ गया, अब 2015-16 का कुछ नहीं होगा, 2010 और 2011। अब हम लिखेंगे 4 ईयर्स मूविंग एवरेज सेंटर्ड। यहां जो मूविंग एवरेज है वह क्या निकलता है, सेंटर्ड निकलेगा। पहले हमने 4 4 ईयर का सम लिया, समझिए 4 ईयर में हम क्या है कि 2011 और 12 के बीच में लिखेंगे, 12 और 13 के बीच में। फिर 2 पॉइंट लिया तो 2012 के सामने, 2014 के सामने आ गया, और सेंटर्ड में निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करना होगा। कहोगे गुरुजी 8 से क्यों, अभी देखिए, ये 4 का सम है और ये 4 का सम है, तो ये कितने का सम आया, 8 का सम, इसलिए यहां पर इसको 8 से डिवाइड करना होगा। बत्तीस, इसको भी 8 से डिवाइड कीजिए। देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ता हुआ, स्मूथनिंग हो गया। क्या 29,
ये समझ में नहीं आता है कि आपको एवरेज निकालने में क्या कठिनाई है सभी बच्चों को। अरे ये सिंपल एवरेज है बाबू, ये तो मूविंग एवरेज क्यों समझ रहा है, ये सिंपल एवरेज है। चार ईयर है, दो हजार दस, ग्यारह, बारह और तेरह, चौदह, चार का लेते हैं। ये क्या है जी, दो पांच चार छ और पांच, तो जब इस चार को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच लिखेंगे, पांच दो सात, चाहे ग्यारह, ग्यारह और छह सत्रह, फिर हम इस चारों को लेंगे तो इसके बीच लिखेंगे। अब ये किसी ईयर के सामने नहीं है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2012 के सामने आएगा, ये चार का सम है, ये चार का सम है, तो आठ से भाग नहीं पड़ेगा क्या। चार ईयर है, एक दो तीन चार, इसका जब आप टोटल निकालोगे तो इसके सामने लिखोगे पांच, इसका टोटल इसके सामने, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके सामने, ये चार का सम है, ये चार का सम है, तो ये टोटल सम आठ का हुआ, आठ से भाग देंगे तब ना एवरेज निकलेगा। विशु जी और तनुश्री जी, नहीं इसमें क्या दिक्कत क्या हो गया, प्रैक्टिकल पूछे या नहीं पूछे, दिक्कत क्या है इसमें। अरे ऑड में तो तीन का ही सम है भाई, यहां पर सेंटर्ड है, सेंटर का मतलब है ये दोनों को, सेंटर का मतलब हुआ ईयर के सामने लाना, क्योंकि ये ईयर के सामने नहीं है, 2011 और 12 के बीच है, ये 2012 और 13 के बीच है, इसको सेंटर में लाया, वहां सेंटर में, तीन में सेंटर में तो सेंटर में ही है, यहां सेंटर में लाना पड़ता है। ये चार का सम, चार का सम तो आठ का सम है, आठ का डिवाइड करेंगे, अरे ऑड में तो तीन का ही सम है ना बाबू, ये आठ का सम है तो आठ से एवरेज नहीं डिवाइड करोगे, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या दिक्कत आ गया। आया समझ में, ओ तनुश्री जी, विशु भैया, जी ऑड ऑलरेडी सेंटर में है, ईयर के सामने है, तो उसको सेंटर्ड क्यों करना, इवन में नहीं होता इसलिए करना पड़ता है, और क्या बात है, और तो कोई बात है नहीं इसमें। इवन में चार ही होगा, चार छह ऐसा, तो आप यहां पर देख लीजिए, एक सवाल थ्योरी में पूछता है एंड टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं होता, चार है तो दो दो ईयर छूट जाएगा, तीन है तो एक एक छूटेगा, यहां नोट में लिखिए पॉइंट, नोट में लिखिए, इन मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज डजंट कम, फॉर एन टाइम पीरियड,
एंड टाइम पीरियड्स के लिए मूविंग एवरेज नहीं आता, क्योंकि ऊपर और नीचे छूटेगा बाबू, ये थ्योरी में आपको पूछा जाता है। क्या डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्या हुआ? 3 साल का मूविंग एवरेज कहेगा तो 3 का सम करके 3 से भाग देंगे, 4 का कहेगा तो इसका मतलब है 4 का सम करेंगे, क्योंकि ईयर के सम सामने नहीं आता है तो 2 और ऐड करना होगा, 8 से भाग देके 4 ईयर मूविंग टोटल निकले, मूविंग एवरेज निकले। इसमें अंतर क्या है? अरे 3 आदमी का एवरेज निकालना है एज का और 4 आदमी का एवरेज निकालना है, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एवरेज एवरेज होता है, और क्या अंतर रहेगा? हाँ तो किसी में भी नहीं आएगा भैया, मूविंग एवरेज में हमेशा एंड टाइम पीरियड का नहीं आएगा, एवरेज ही निकालना है भाई। 3 आदमी के वेट का निकालो एवरेज, 4 आदमी का वही है जी लिखा हुआ, इस पर बहुत सारा डेटा है तो मूव करते हैं इसलिए नाम पड़ा मूविंग एवरेज, और टाइम पीरियड में डायरेक्ट निकल जाता है। इवन में चूंकि ईयर के बीच नहीं आता है तो हम उसको 2 पॉइंट ऐड करके ईयर के सामने लाते हैं, इसलिए 4 और 4 का सम है, 8 से भाग देते हैं, और क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? सब मूविंग एवरेज ही है, एक इवन में है और एक ऑड में है, और क्या है? सुदेव यहीं से डंडा मारेंगे तुमको देह पर, 8 से क्यों किया, मर्जी हो गया। अरे भाई ये कितना का सम है? 4 का है और ये 4 का है, ये कितना का सम हुआ? 8 का सम नहीं हुआ क्या? तो एवरेज निकालने में 8 से भागने देंगे क्या? सोया रहता है दारू पी के, राग खुली। हाँ सर, 8 से भाग क्यों दिए? ये 17 कितने नंबर का सम है? 4 का। 20 कितने नंबर का सम है? 4 का। ये सम कितना का हुआ? 8 का। तो 8 से भाग नहीं देंगे क्या? रहा समझ में सुदेव? यस सर, आई अंडरस्टैंड अंग्रेजी। चल यहां देखिए, डी नंबर लिस्ट स्क्वायर मेथड, यही रिग्रेशन का ही है जो पढ़ाया था। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड आप ध्यान दीजिए, लेट एंड लाइन इक्वेशन आपको लीनियर पढ़ना है, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे पढ़ाया था रिग्रेशन में, फ्रॉम लिस्ट स्क्वायर मेथड। टू नॉर्मल इक्वेशन आर, पहले क्या पढ़ाया था? यूज सिग्मा, डायरेक्ट सिग्मा लगाइए, एक इक्वेशन मल्टीप्लाई एक्स एंड यूज सिग्मा, पहले आप इसमें एक्स मल्टीप्लाई करो और सिग्मा लगाओ, ध्यान दो। जी
अब हमको ईयर और वैल्यू दिया हुआ रहे जैसे उधर पढ़ाते थे, तो ए और बी का वैल्यू आसानी से निकालने का एक तरीका बता देता हूं। सॉरी, इंटू एक्स एंड यू सिग्मा। देखिए टाइम, हमको टाइम और वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे एक्स बता देता हूं। एक्स बराबर, एक सवाल भी बताएंगे, टी माइनस मिडल ईयर ले लोगे सवाल को आसानी से बनाने के लिए। किसी एक ईयर को बेस मानेंगे, वह है मिडल ईयर। जब आप टी से मिडल ईयर को माइनस करोगे तो समेशन ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा, और समेशन ऑफ एक्स जीरो आ गया, ध्यान दो, ये आपका जीरो आ गया और ये आपका जीरो आ गया। सोचो ए और बी आसानी से निकला कि नहीं। तुम जिस ईयर में जन्म लेते हो उसको आप बेस ईयर मानते हो, जिस ईयर में जन्म लेते हो उसको बेस ईयर, और उसी से ने आप अपना एज का कैलकुलेशन करते हो कि आप 2000 में जन्म लिए तो 2010 में क्या होगा, तो 10 साल हुए, 2010 को आपने बेस, 2000 को बेस मान, तो मिडल ईयर को हमेशा आप बेस मानिए। तो समेशन ऑफ एक्स अगर जीरो आ गया तो देखो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई बाय एन, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। एक सवाल से मैं आपको क्लियर करता हूं, ए और बी का जो वैल्यू आए यहां पर चिपका दीजिए, हो गया आंसर। चलिए एक सवाल लेते हैं, इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा मिडल ईयर को ही बेस मानिए कैलकुलेशन, ऐसे कोई भी ईयर ले सकते हो लेकिन मिडल ईयर लोगे तो आपका क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। कर रहा हूं रिपीट, लिखिए, फाइंड ट्रेंड लाइन। क्वेश्चन से क्लियर होगा, यहां ध्यान दो, इसका जो मिडल ईयर है उसको आप बेस मानिए, ये टी मानो, एक्स टी माइनस मिडल ईयर, इसको हमने बेस माना, माइनस टू मिडल ईयर जब भी लोगे समेशन ऑफ एक्स जीरो हो जाए। ध्यान दो यहां पर,
तो टी माइनस मिडल ईयर आप कर लीजिए। अब देखिए ए और बी निकालने का क्या क्या है जी, देखो ध्यान से, एक्स और वाई है, ए बराबर समेशन ऑफ वाई बाय एन और बी बराबर, तो आप पहले दो चीज निकालिए, एक क्या निकालना है समेशन ऑफ वाई, 5, 2, 7, 4, 11, 17 और 8, 8, 7, 15, एक एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स वाई निकालिए, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करो, थर्टीन। ए बराबर क्या है समेशन ऑफ वाई बाय एन, 25/5, 5, 5 ईयर है, एन 5 है, बी बराबर क्या हुआ, समेशन ऑफ एक्स वाई 13, तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या हो गया, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, रखो वैल्यू, ए ए का वैल्यू आ गया 5, 1.3 एक्स, यही हो गया। हाँ बोलो मनीषा, भैया जब भी आप मिडल ईयर माइनस करोगे 2012 सब में माइनस करिए, -2 -1 समेशन ऑफ एक्स 0 नहीं है क्या, तो समेशन ऑफ एक्स 0 हो गया, तो दो लीनियर इक्वेशन हमने निकालना सिखाया था, यही है ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, एक बार डायरेक्ट समेशन लगाते हैं, एक बार जो है एक्स मल्टीप्लाई करके लगाते हैं, तो जब आप मिडल ईयर माइनस कर दोगे समेशन ऑफ एक्स ऑलवेज 0 आएगा, तो जब ये 0 आ गया और ये 0 आ गया तो ए और बी का वैल्यू आसानी से नहीं निकल आएगा क्या, तो ए और बी निकाल दीजिए यहां पर पुट कर दो, हो गया आंसर, क्लियर। दो हजार बारह सब में माइनस करना है मनीषा, ये तो हो गया -2 -1, ये 0, यहां पर 1 और यहां पर 2, क्या दिक्कत आ गया, हाँ तो 2013 के सामने 1 है तो 2014 के सामने 2 है तो, दो हजार तेरह माइनस 2012 तो 1 तो आएगा और 2014 माइनस 2012 तो 2 आएगा, ठीक तो है, अरे ईयर माइनस करना है, क्या करती है तुम मनीषा, ये टी है, ये 2012 सब में माइनस होगा, इससे 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 और इससे, ये है लिखा हुआ वैल्यू थोड़े रोना, ये तो अलग है, टी किसको माने है, ईयर को माने है, तो टी माइनस 2012 को एक्स माने, क्लियर टू ऑल। इसी में अगर सवाल पूछ दे,
फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2000, अगर बोल दे जी 15, ट्रेंड वैल्यू 2015 का कहे, तो 2015 का ट्रेंड वैल्यू कहे तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स कैसे निकालेंगे, जो यहां हमने माना है एक्स हो गया टी माइनस 2012, जिस भी ईयर कहेगा उसको 2012 से माइनस करने के बाद जो आएगा वो आया। तो अब ये तीन वैल्यू यहां रख दो, ए प्लस बी एक्स 3, 8.9 हो गया आंसर। इस तरह से ट्रेंड वैल्यू हम निकाल, देखिए इसमें बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसका सेट ए का सवाल नहीं बनाना है, सेट बी का सवाल आइए अभी खत्म कर लेते हैं, बस क्लास बंद कर देंगे। सेट बी सभी क्वेश्चन लोग निकालेंगे, सेट ए नहीं आएगा। हो गया, अरे वाई तो पहले ही है, ये तो वैल्यू गिवन है, इसमें क्या करना है, ये तो गिवन ही है, वाई क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में ही है। कल देखेंगे क्लास, शाम में लेंगे, शाम में हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे जी। चैप्टर खत्म हो गया, चलिए पेज नंबर निकालो, अभी खत्म कर लेते हैं ये चैप्टर को। सीक्वेंस एंड सीरीज जो बचा हुआ है वो करा देंगे। वन नंबर ऑर्डरली सेट ऑफ अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से कोई भी डेटा, वन का डी होगा। उस सवाल का आंसर इसमें रॉन्ग है, जो मैं बता रहा हूं वही सही करना है। ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इरेगुलर ऑल ऑफ दी, सब होंगे जी वेरिएशन। शॉर्ट टर्म वेरिएशन कौन होगा, सीजनल। लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा, साइक्लिकल और सेकुलर ट्रेंड, और इरेगुलर वेरिएशन ये चार होते हैं, ऑल ऑफ दी, दो का डी हो गया। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज स्ट्रेट लाइन होता है, बी ट्रेंड में हमने पढ़ाया था, सेमी एवरेज चाहे एवरेज, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन। सेकुलर ट्रेंड को कितने तरीके से मेजर किया जाता है, चार तरीके से, पांच। सेकुलर ट्रेंड मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ वैन, ट्रेंड इज लीनियर, बी ट्रेंड लीनियर होगा तब, क्योंकि सेमी एवरेज में दो पॉइंट निकलता है, ऑड इवन सम में हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर हो चाहे हाफ ईयरली क्वार्टरली कैसा भी डाटा हो, सब में निकलेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तब होगा जब ट्रेंड इज लीनियर हो, क्योंकि दो लाइन दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन ड्रॉ हो। हिस्टोरियाग्राम नहीं है, दोनों में हिस्टोग्राम ही लिखा हुआ है।
अभी जो बता रहा है उसको ध्यान दीजिए जी। हिस्टोरियाग्राम का मतलब लाइन डायग्राम होता है। अब लाइन डायग्राम दो तरह के होते हैं, कर्व भी होते हैं और स्ट्रेट लाइन भी होते हैं। तो सेमी एवरेज में केवल स्ट्रेट, हिस्टोरियाग्राम को हम लाइन डायग्राम कहते हैं। तो लाइन डायग्राम हमेशा सीधा होगा कोई जरूरी नहीं है, लाइन डायग्राम में कर्व भी हो सकता है, इसलिए यहां पर केवल स्ट्रेट लाइन होगा। ये पहले चैप्टर का ही सवाल था, हिस्टोरियाग्राम को लाइन डायग्राम कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट ड्यू टू द हीट स्ट्रोक, सीजनल ट्रेंड होगा। 86 सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन सिग्नल। सिग्नल आप देखते होंगे रेड ग्रीन ब्लू येलो, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर आता है। तो चूंकि टाइम के हिसाब से वेरिएशन करता है, ये सिस्टमैटिक होगा। और अनसिस्टमैटिक क्या होगा? हो हल्ला नॉइज, क्लास में जो हल्ला होता है जो आप लोग पहले करते थे वो अनसिस्टमैटिक है। क्लियर? सेकुलर ट्रेंड में तीन होगा, मतलब सेकुलर ट्रेंड को मापने का चार मेथड है भाई, अभी तुरंत पढ़ा है। फ्री हैंड मेथड या ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, अभी तुरंत पढ़ाए थे। हाँ, चार का सी होगा, बोलता रहो, चार का सी होगा। अनसिस्टमैटिक नॉइस है ए टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन, हमेशा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर है। 9 का सी, सीजनल वेरिएशन हमेशा एक पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर होता है। व्हीट क्रॉप्स बैडली डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रैंडम मूवमेंट। 10 का भी नेचुरल कैलामिटी रैंडम। देखो, कहोगे सर बरसात के दिन में होता है तो सीजनल क्यों नहीं? बरसात का मतलब है हम नॉर्मल कंडीशन लेते हैं कि सही मात्रा में पानी पड़ना। अब अचानक कहीं बाढ़ आ जाए और कहीं पर पानी ही नहीं पड़े, उसको हम लोग कहेंगे रैंडम, नेचुरल कैलामिटी, वो रैंडम के अंतर्गत आएगा। जो मैं बता रहा हूं वो एकदम नहीं हो सकता है सीजनल। बरसात का मतलब हुआ है नॉर्मल, है अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। बैडली डैमेज का मतलब पानी इतना पड़ा कि बहा के ले गया, एक जगह ही एकदम पूरा पानी आ गया प्रकृति का, इसलिए इसको इरेगुलर बोलेंगे। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज किसका पार्ट है? सेकुलर ट्रेंड का, 11 का ही। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैथमेटिकल मॉडल है, मल्टीप्लीकेटिव है, ये पढ़ाया था। ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ टू मैथमेटिकल मॉडल सी, सेमी एवरेज डिसाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में हम बांटते हैं 14 के भी। अब देखिए, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन ट्रेंड इज, ध्यान दो, मूविंग एवरेज तब होता है जब ट्रेंड लीनियर होता है, ये ध्यान रखिए। वह लीनियर ट्रेंड का ही पार्ट है। जो हम एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं जब हम रहता है तो ये बहुत कम होता है ऐसे, जब हम उसी का निकालते हैं मूविंग एवरेज तो ये पॉइंट जो है मूविंग एवरेज में एकदम लाइन पर आते हैं,
या लाइन के नजदीक हो जाते हैं, तो ट्रेंड इज लीनियर। तो जब हम मूविंग एवरेज होता है तो स्मूथन मैंने वेरिएशन कम हो जाता है, तो वेरिएशन का मतलब सभी पॉइंट लाइन के नजदीक आ जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रेंड इज लीनियर 15 का ए। सोलह, एक्सपोनेंशियल है मूविंग एवरेज कंप्यूटेड बाय यूजिंग वेटेड मीन। 16 का डी, एक्सपोनेंशियल का मतलब समझो, अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, एक्सपोनेंशियल का मतलब है वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, किसी कांस्टेंट पर पावर जब होता है, किसी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल होता है, देखो यहां पर इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए तो एक्स बराबर अगर वन लोगे और एक्स बराबर टू लोगे तो, और एक्स बराबर अगर थ्री लोगे, देख रहे हैं डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो जब ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप डेटा। और एक्सपोनेंशियल टाइप डेटा में अगर आप स्मूथन करना चाहते हैं, स्मूथनिंग का मतलब है वेरिएशन को कम करना चाहते हैं, तब हम वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वेटेड एवरेज में क्या है, एक पढ़ाया था याद कीजिए, एवरेज चैप्टर में एक्स दो है और एक है टेन, तो इसका छह हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी आप दस कर दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी दो कर दीजिए, तो एवरेज आपका इधर मूव कर जाएगा। तो जब वेरिएशन बहुत ज्यादा हो और आप चाहते हैं कि वेरिएशन कम हो, तो जिसका वैल्यू ज्यादा हो उसका वेटेज कम दीजिए, ज्यादा दीजिए, और जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका वेटेज कम दीजिए, इससे क्या होगा कि वेरिएशन आपका कम हो जाएगा, तो आपको ट्रेंड दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब वेरिएशन, ये हमने आपको पढ़ाया था याद कीजिए, कि जब एवरेज चैप्टर पढ़ा रहा था तब वहां पर क्या पढ़ाया था, कि वेटेज इज कंसीडर्ड व्हेन द गिवन ऑब्जर्वेशन हैव अनइक्वल इंपॉर्टेंस, यानी डब्ल्यू और एफ जो है एवरेज पर प्रभाव डालता है। तो जब एवरेज पर प्रभाव डालता है तो जिसका वैल्यू कम उसका जो है वेटेज ज्यादा दीजिए, और जिसका वैल्यू ज्यादा उसका वेटेज कम दीजिए, तो एवरेज जब निकलेगा तो एवरेज से क्या होगा कि उसमें वेरिएशन अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए जब आपका जी क्लियर टू ऑल, इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ डेटा हो, माने उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, और वेरिएशन जब कम करना चाहते हैं तो वहां पर वेटेड अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करें, वेटेड मीन। क्लियर टू ऑल। सत्रह नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा अपवर्ड होता है ऐसा मानते हैं, समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, देश की जनसंख्या बढ़ेगी और समय के साथ आपका भी परचेजिंग पावर बढ़ेगा, चूंकि सीए आप बनोगे, तो हम मानते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म हमेशा अपवर्ड होता है। इंडिकेट द एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन, ध्यान दो सीजनल वेरिएशन, हम सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून उज्ज्वल। ए नंबर है डेथ रेट इंक्रीज ड्यू टू एडवांस इन साइंस, देखो मैं सब का लिख देता हूं, अठारह का ए नंबर ऑप्शन जो है वह सेकुलर ट्रेंड का एग्जांपल है,
साइंस जैसे जैसे एडवांस होगा तो स्वाभाविक बात है कि डेथ रेट कम होगा, सेकुलर ट्रेंड। और साइंस का भी एडवांस होगा जब उसमें प्लानिंग के तहत काम करें। तो जो चीज आप प्लानिंग के तहत काम करोगे वो सेल ऑफ एयर कंडीशन, हाँ ये होगा सीजनल। सी क्या होगा? रिकवरी इन बिजनेस, ये सर्कुलर हो गया। सडन कॉजेज ऑफ वार, ये आपका इरेगुलर या रैंडम हो गया। तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी बी होगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल है जी, फॉर मैथमेटिकल मेथड है मेजरिंग ट्रेंड, सेमी एवरेज काम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिए सेमी एवरेज मेथड ज्यादा इस्तेमाल होता है। ए ट्रेंड इज बिट फिटेड ट्रेंड, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल मिनिमम 20 का भी, ध्यान दीजिए कहता क्या है। अभी हमने पढ़ाया था ट्रेंड लाइन इक्वेशन, तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन में हमने कौन सा ट्रेंड आपको पढ़ाया था? लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक आया जी रेसिडुअल, रेसिडुअल को कहते हैं वेरिएशन। चैप्टर जब पढ़ाए थे वेरिएशन याद कीजिए, वहां पर हमने लिखा था कि वेरिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, आप नहीं रिवाइज कर रहे हैं, उन्नीस का भी होगा, उन्नीस का भी सेमी एवरेज ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वेरिएशन चैप्टर का हमने पढ़ाया था कि वेरिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेसिड्यू और एरर। तो मोस्ट फिटेड ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? फिट का मतलब एवरेज होता है, कॉरिलेशन में सिखाया था। तो एवरेज ट्रेंड वही अच्छा होता है जहां पर वेरिएशन कम हो, तभी तो ट्रेंड का पता लगेगा। यानी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, यही है, इसी से एसडी निकलता है, इतना बयान करके रूट। तो रेसिडुअल का मतलब होता है मिनिमम से डेविएशन का स्क्वायर सम, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब है कि जब वेरिएशन मिनिमम होगा तो हमको ट्रेंड साफ दिखाई पड़ेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ऐसा। डिकम्पोजिशन 21, इसको हम डी ट्रेंडिंग कहते हैं। ट्रेंड का क्या मतलब हुआ? सबका कंबाइंड इफेक्ट, कंपोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है सबको अलग अलग बांटना, उसको हम कहते हैं डी ट्रेंडिंग। ट्रेंड में सबका कंबाइंड इफेक्ट पड़ेंगे, सबका अलग अलग इफेक्ट करेंगे तो अलग अलग ट्रेंड निकलेगा, लेकिन एज ए होल ट्रेंड का पता नहीं निकलता। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट टाइम सीरीज को हम डी ट्रेंडिंग बोलते हैं। फायर इन ए फैक्ट्री, ये रेगुलर होगा, 22 का डी। डैमेजेज ड्यू टू फ्लड, ये भी पता लग गया, इरेगुलर हो गया, 25। पैटर्न इंक्रीज और इकोनॉमिक्स सोशल फेनोमेना सोन इन, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इकोनॉमिक्स बोल रहा है, 25। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? साइक्लिकल ट्रेंड, ये बिजनेस साइकिल की बात कर रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 25 का भी जी। मूविंग एवरेज कांट फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ सम एंड पीरियड, एंड का मतलब दोनों साइड, स्टार्टिंग पीरियड क्यों नहीं कर सकते? स्टार्टिंग केवल ऊपर वाला है होता है, तो ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का भी तो नहीं निकलता है, इसलिए एंड होगा आंसर सही।
राइज एंड फॉल ऑफ टाइम सीरीज, लॉन्गर टाइम, राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल यह भी कहलाएगा साइक्लिकल वेरिएशन। 28 का सी, 23 का इंक्रीज डिमांड सब्जेक्ट कंप्यूटर, ये सेकुलर ट्रेंड होगा। 23 का ये साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर का मतलब है साइंस का एडवांस हुआ, एडवांसमेंट, तो कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। ये जनरल ट्रेंड नहीं है, ये जनरल ट्रेंड है, सेकुलर ट्रेंड है, क्योंकि साइंस का एडवांसमेंट में आपको प्लानिंग करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, वो सब सेकुलर ट्रेंड के अंतर्गत आता है। मूविंग एवरेज स्मूथ आउट द टाइम सीरीज, 27 का सी, ये तो लिखाया था। स्मूथ आउट का मतलब वेरिएशन कम करता है, ट्रेंड का पता लगता है हमको। स्मूथन का मतलब वेरिएशन को कम करना, तभी तो ट्रेंड दिखता है। हमने आपको दिखाया था कि आप जनरल आप वैल्यू लीजिए तो जनरल वैल्यू में क्या है कि बढ़ता घटता है, ट्रेंड का पता नहीं लगता है। मूविंग एवरेज निकालोगे तो वेरिएशन अपने आप कम हो जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइम सीरीज लॉन्गर टर्म हो गया साइक्लिकल। 28 का सी, ए टाइम सीरीज हैज फोर कंपोनेंट, मल्टीप्लीकेटिव बी हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिटिव में ऐड होगा, ए हो जाएगा, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। ए पैटर्न रिपीटेड थ्रू आउट द टाइम सीरीज रिकरेंस पीरियड एटमोस्ट 1 ईयर, एक ईयर के अंदर जो रिपीट हो रहा है ये सब सीजनल में आएगा। 32, का सी, एनुअल टाइम सीरीज इवन नंबर ऑफ पीरियड कोडेड है, देन ईच कोडेड इंटरवल हाफ ईयर या 1 ईयर दोनों हो सकता है। 33 का सी, कैसे? देखिए हमने आपको पढ़ाया था दो तरह का, सेकुलर ट्रेंड में डेटा हम ईयरली लेते हैं, साइक्लिकल में भी ईयरली लेते हैं, लेकिन सीजनल में हम क्या करते हैं, अंडर 1 ईयर है तो डाटा हाफ ईयर भी हो सकता है, इसलिए इवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड हो तो डाटा या तो ईयरली होगा या तो हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली का मतलब सीजनल हो गया, इसलिए ये बोथ होगा आंसर। 33 का एनुअल टाइम सीरीज, हमको ये नहीं कह रहा है कि कौन सा टाइम सीरीज है, सेकुलर है तो ईयरली होगा, ये मेंशन नहीं है सेकुलर है, साइक्लिकल भी ईयरली, रैंडम भी हम ईयरली लेते हैं, लेकिन सीजनल अंडर 1 ईयर लेते हैं तो हाफ ईयर भी हो सकता है, इसलिए ये दोनों हो सकता है। इन सेमी एवरेज ऑड हो तो मिडल ईयर को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप द मिडल ईयर, ये लिखा दिया था। 34 के सी, फ्री एंड कर, फ्री एंड कर भाई, तो फ्री एंड अगर कर होगा तो ग्राफ हो गया ना, ऑफ ट्रेंड बाय ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकलता है, तो हम लोग जो ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं फ्री एंड में, वह ग्राफ के द्वारा निकालते हैं। सत्ताईस को एक्सप्लेन क्या करना है, अरे सत्ताईस का जो, सत्ताईस को एक्सप्लेन वहीं पर कर दिया था जब पढ़ाया था, कहा क्या करती है, भांग खाती है सब बच्चे। यहां बताया था, यहां ध्यान दो, ओरिजिनल डाटा जिगजैग में है, देखो यहां पर, यहां से ट्रेंड का पता लगता है, नहीं मूविंग एवरेज निकाला था, स्मूथन हो गया का मतलब यहाँ वेरिएशन है ज्यादा, यहाँ वेरिएशन कम हो गया, स्मूथ आउट का मतलब होता है वेरिएशन कम हो जाना, अब ट्रेंड का पता लग गया, देखो बढ़ रहा है। एक्सप्लेन, इस तरह ये 35 सवाल हो गए।
अब कल का जो है क्या होगा ये हम आपको देंगे, कल किस समय हम क्लास लेंगे, डोंट वरी। आज के लिए बस इतना ही, एक और भी बात बता दूं, जो नए बच्चे हैं नवंबर, बस सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, नवंबर 2021 के लिए एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से। ये 25 में से, तो जो आज के आसपास बच्चे हों जो पढ़ना चाहते हैं उनको जरूर ज्वाइन करवाइए ऑनलाइन जेके साम में। तो 25 से ये क्लास चलेगी, और सारे बच्चों से अपेक्षा करता हूं कि आपके आसपास टोला मोहल्ला में जो भी बच्चे हो जरूर भेजिए, ताकि उनकी तैयारी हो सके, जो 12th का एग्जाम नहीं दिए हैं। और जब 12th का एग्जाम होगा उनके लिए है बात, अभी हम वो पढ़ाएंगे जो 12th में है लगभग है। जब 12th का एग्जाम अगर डिक्लेयर हो जाता है तो हम 1 महीने का उनको ब्रेक दे देंगे बीच में, और फिर क्लास एज यूजल चलेगी। जब फिर फेस टू फेस होगा तो फेस टू फेस, तो आपके भाई बहन बंधु दोस्त कोई भी हो उनको रुकने मत कहिए, क्योंकि रुकने से क्या होगा उनका, चूंकि नवंबर में होगा तो उनके लिए तैयारी उनको अभी से करनी पड़ेगी, और उनका इन्वॉल्वमेंट में भी होगा। घर में ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं उनको मन नहीं लगता है, तो उसके साथ साथ फाउंडेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। क्लियर? क्या बता दूं मेगा, हम पूछ के बताएंगे, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, पूछेंगे तब। फीस है जी टोटल 22,500, ऐसे तो 25,000 है, लेकिन इस सेट में हमें अभी 10% हमने लेस कर दिया, इसका 90%, इसका 10% अभी हमने लेस कर दिया है। जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे 10% लेस में लेंगे। क्लियर टू ऑल? अरे टी तो टाइम सीरीज में डेटा जो दिया हुआ है वो ईयर में ही दिया रहता है, ईयर को हमने टी मान लिया और जो वैल्यू है उसको वाई मान लिया, टी से फिर एक्स निकाल लिया, फिर उसे ही भी निकाल लिया, वो तो डेटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेगा। टाइम सीरीज में डेटा टाइम, ईयर ईयर में डेटा दिया, ठीक है? तो आप हमारी मदद करें, हम भी आपकी मदद करेंगे। क्लियर टू ऑल? ठीक है, थ्रेटकर डिस्ट्रीब्यूशन के डाउट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, टेस्ट भी हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।